खींच 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 214 शाबाश। अरे क्यों यार, मेरा 18 है, ये तो ये 18 है, 17.5 26 जय हिंद वंदे मातरम। तो आज आए हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल 5:30 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। तो हमारे 8-9 बंदे, तो हम लोग टाइमिंग देने जा रहे हैं, तो शिवम भी आ गया, तो बने रहिए। तो जल्दी आपको टाइमिंग दिखाएंगे, तो आपको भी अगर टाइमिंग देनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं किसकी कितनी टाइमिंग आती है। इन लोग को लगभग बहुत समय हो गया वर्कआउट करते हुए और अपकमिंग अब 1.5-2 महीने में फिजिकल आने वाला है, जैसे आप सभी को पता है। चलो चलो रेडी अप। टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो स्टॉपवॉच में 14 सेकंड। ये ग्राउंड है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम ग्राउंड और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ चुके हैं। ज्यादा वार्म अप भी नहीं किया है आज, बट कोशिश है कि आज बिल्कुल आके टाइमिंग देख सके, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है टाइमिंग देने के लिए। पहला राउंड कंप्लीट होता हुआ, बढ़िया बढ़िया शाबाश। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आ रहे हो। 1-4, 1-5 वेरी गुड वेरी गुड, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-12 खींचो खींचो, शाबाश शाबाश, 1-14 चलने जो। बढ़िया गोविंद बढ़िया, छोड़ना नहीं है, एंड तक छोड़ना नहीं है। बढ़िया शाबाश हेमंत, खींचो। बढ़िया प्रदीप, शाबाश। चल कुशल, डाउन हो रहा है, पकड़ उसको, पकड़। देख सकते हो अभी टाइम हो चुका है 1:38, देखते हैं एंड में कितना फिनिश होता है, बेस्ट बंदा कितने में आता है। डेढ़ सौ ही रहेगा ला शाबाश। बढ़िया प्रदीप, खींच दे, 2 ही मिनट हुआ है, खींच खींच खींच, खींचो खींचो, शाबाश 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 शाबाश, 2-7 खींच दे प्रदीप, खींच 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 खींच, 2-14 शाबाश। चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 2:22, 2:23 बढ़िया श्रीराम, 2:26, 2:27, 2:28 चलो चलो चलो, 2:30, 2:32, 2:33 चलो, बढ़िया बढ़िया, अच्छा आ गए 40 आ गए, शाबाश, खींच 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 खींच, खींचो खींचो, 2:40, 2:41, 2:44 वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। यस जय हिंद। तो अभी हम लोग की टाइमिंग हो चुकी है, तो जानते हैं सबकी टाइमिंग कितनी आई है और ये बिना वार्म अप के टाइमिंग दिए, लगभग आज 1.5 से 2 महीना हो गया इन्हें टाइमिंग दिए हुए और तुरंत आके यहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रिस्ट्रिक्शन है और अब इनने हमें मना भी कर दिया कि आपसे आपकी अलाउ नहीं करेंगे, आज अलाउ कर दिया हम लोग जो कि अर्ली मॉर्निंग 5:30 से भी पहले आ चुके थे 5 बजे, अब इनने मना भी कर दिया। बट बिना वार्म अप के और बिल्कुल तुरंत गाड़ी लगा के तुरंत थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके बिल्कुल रनिंग की, क्योंकि उन्होंने हमें बिल्कुल 4-5 मिनट का स्पेस दिया कि इतने मिनट में आप करके बिल्कुल बाहर आ जाओ, मतलब अंदर भी अलाउ नहीं किया था। तो टाइमिंग जानते हैं किसके कितनी टाइमिंग आई है। हाँ प्रदीप सर, मेरे 2:14 आई है टाइम आज, इनकी 2:14 आई है हमारे ग्राउंड पे, भेल में इनकी 2:13 बेस्ट आई थी अभी तक की, आज 2:14 आई है। तो आप अगर किसी को डाउट होता है तो वीडियो बिल्कुल देख सकते हो और आज रनिंग भी देख सकते हो। हाँ शिवम, 2:22 आई है, ठीक है, इनकी उस ग्राउंड पे 2:21 थी, यहाँ पे 2:22 आई है सर, 2:23 इनकी वहां पे कितनी बेस्ट, 2:25 इनकी, 2:25 थी इनकी, 2:23 आई है, तो इनने जरूर इम्प्रूव किया, हल्का कम किया, बहुत बढ़िया। श्रीराम, श्रीराम की आई है 2:26, वहाँ कितनी थी, 2:30 थी, तो इनने भी इम्प्रूव किया, बहुत बढ़िया वेरी गुड। हाँ यश, शिवम यश की 2:27 आई है, तो ये इनका असर वही पड़ा है कि वहाँ पे करीब 1.5 से 2 महीना हो गया तो टाइमिंग नहीं होने के कारण थोड़ी सी इनकी 2-3 सेकंड बढ़ के आई है।
हाँ सर, 2/28 2/28 आई है। तो इनने आज फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे टाइमिंग दी, और लगभग इन्हें 1.5-2 महीना हो गया हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, तो वहाँ पे इनकी टाइमिंग नहीं हो पाई थी, आज इनने यहीं पे दिए फर्स्ट टाइम। 2/28 आई है, वेरी गुड। 2:30 आई है हेमंत की, तो हेमंत भी अभी कंटिन्यू नहीं है और टाइमिंग नहीं होने के कारण इनकी भी थोड़ी बढ़ के आई है, कोई बात नहीं। हाँ बारुल 2:31 आई है, बारुल की भी, वेरी गुड। 2:32 निर्भय की, हाँ 2:32 छोटे लाल, और गोविंद की 2:40 आई है वहाँ पे उस ग्राउंड पे, 2:42-2:43 करीब बेस्ट थी इनकी, आज 2:40 आई है। सोलह सात बारू सा टोपे पंद्रह सात चौदह सात पंद्रह सात 15-5 चल बढ़िया। 16-11 बढ़िया।15-7 16-4 बड़ा दो, उठा उठा बहुत बढ़िया यार, तेरा बोला था यहाँ पे चला गया 16 17-1 बहुत बढ़िया शानदार, उड़ गए उड़ गए उड़ गए, उठा टच कर दिए तुम यार, 16 तो उठा टच कर ही करता हूँ, किस 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 किस, अरे गुड यार, 18 ये तो 18 17.5
पूरा रुक गया रुक गया रे छब्बीस 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 पच्चीस पच्चीस चौबीस साढ़े चौबीस साढ़े बाईस ये बाईस पच्चीस चौबीस बढ़िया चौबीस यस जय हिंद। तो अभी हम लोग का फुल फिजिकल ट्रायल हो चुका है और आज लगभग पूरे दो महीने बाद फिजिकल ट्रायल हुआ है और उसके बाद ग्राउंड की कंडीशन भी काफ़ी बुरी थी, मतलब लॉन्ग जंप के लिए भी रनवे पे काफ़ी मिट्टी और वो थी। उसके बाद भी हमने ट्राई किया कि आज करना ही है कैसी भी हो, भले कम नंबर बने। और उसके बाद गोला भी स्किट कर रहा था, काफ़ी जगह मिट्टी लग रही थी, उसके बाद भी गोला भी किया। और रनिंग का वीडियो आपने देख ही लिया, रनिंग हमने मोतीलाल ग्राउंड में करी, वहाँ पे भी फर्स्ट ट्रैक लगभग गीला था, बाकी ट्रैक ठीक था। बट दो महीने के बाद टाइमिंग देना, उसके बाद भी काफ़ी ठीक एवरेज अच्छी टाइमिंग आई है और ये कंटिन्यू अब हम लोग चलने देंगे चाहे बारिश हो चाहे कुछ, क्योंकि अब क्योंकि दो महीने के गैप करने के कारण काफ़ी लोगों के नंबर काफ़ी थोड़े कम हो गए, क्योंकि ये दो महीना अगर आप कंटिन्यू फिजिकल और ट्रायल्स और जब तक इवेंट नहीं होता है तो अंदर से मोटिवेशन भी नहीं आता और हर हफ्ते आपको मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं नंबर इंक्रीज करूं। तो अब ये जो हमने चालू किया है उसको हर हफ्ते कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते वीडियो भी डालें और टाइमिंग भी हो और पूरा फुल इवेंट हो। तो आज देखते हैं किसके कितने फुल नंबर बने। हाँ, आज फिजिकल में हाईएस्ट स्कोर किया है कुशल ने, कुशल का फिजिकल बना है 79 नंबर का और इनकी कैटेगरी है एसटी। अभी पेपर में 63 टोटल हो रहे 142 मार्क्स। मैं फिजिकल के बता रहा हूँ आपको, फिजिकल के बता रहा हूँ मैं हाईएस्ट और एंड में आपको बताऊंगा टोटल विथ कैटेगरी। यस, इसके बाद दो लोग के हाईएस्ट बने प्रदीप और हेमंत। होते रहता है, अप डाउन होते रहेगा, क्योंकि आप दो महीने से अगर आपने फिजिकल और ट्रायल नहीं दिया तो आप सही में आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारे यहाँ काफी लोगों के कम भी हुए, कुछ के बड़े भी है। तो प्रदीप का फिजिकल बना है 77 का, हेमंत का बना है 77 और प्रदीप के टोटल हो रहे 152 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी और हेमंत के टोटल हो रहे 158 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल में हाईएस्ट है श्रीराम, श्रीराम का फिजिकल बना है 74 का, पेपर में 70 टोटल हो गए 144 एसटी कैटेगरी। यस, नेक्स्ट शिवम झा, शिवम झा का फिजिकल बना है 173 का, पेपर में 76 टोटल हो गए 149 ओबीसी कैटेगरी। यस, नेक्स्ट फिजिकल बना है बारुल, बारुल का फिजिकल बना है 72 का, पेपर में 77 टोटल हो गए 149 ओबीसी कैटेगरी। इसके बाद फिजिकल बना है निर्भय,
ताली बजा दो। इनका फिजिकल बना है 71 का, पेपर में 78, टोटल हो गए 149 मार्क्स। नेक्स्ट छोटे लाल और और एक और यस 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 भी है यस क्या जंप नहीं आई है, नहीं तो इनका लास्ट स्टेप इज मतलब 80 बना था फिजिकल में, बट इस बार काफी कम बना है क्योंकि जंप का ट्रैक मतलब काफी गीला था, पैर ग्रिप ही नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कोशिश किया बट जंप उतनी नहीं आ पाई। अगर आप अपन बुरी कंडीशन खड़े हो, बुरी कंडीशन में भी अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा ही मिलेगी आपको कंडीशन उस टाइम, बट अगर अपन ऐसी कंडीशन में भी इतना स्कोर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आगे और अच्छा करना है आपको और मोटिवेशन लेना है। चलो तीनों के बने फिजिकल में 69 मार्क्स। यस छोटे लाल के एसटी कैटेगरी से टोटल बने 137। निखिल के एससी कैटेगरी से बने 140 और यश के ओबीसी कैटेगरी से बने 151 मार्क्स। यस इसके बाद है दोनों सोवेंद्र और गोविंद, नंबर भी एक जैसे ठीक है, सेम ही है। सोवेन के बने फिजिकल में 62, टोटल हो गया 147 ओबीसी कैटेगरी। सॉरी जनरल 145, दो महीने के बाद भी इनका कंसिस्टेंट है ये। चलो गोविंद के बने फिजिकल में 62, इनका पिछला था 49 मार्क्स। इनका ओबीसी कैटेगरी से पेपर में 80 मार्क्स, टोटल हो गए 142 मार्क्स। ये ऐसे मार्क्स बने आज, काफी कंडीशन मतलब लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट लिटरली बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसके बाद भी अच्छा स्कोर हुआ है। आप कंटिन्यू वीडियो डालेंगे और कंटिन्यू आपको फिजिकल ट्रायल भी देखने मिलेंगे, और आप खुद को भी देना तो आ सकते हो, और रनिंग भी देखने मिलेगी। रनिंग का वीडियो बिल्कुल देखिएगा, मोतीलाल में हमने आज रनिंग करी है, तो कंटिन्यू बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके जय हिंद, वंदे मातरम।